हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल SMKC। और मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है बिकॉज मैंने ना PMC फिनकॉप का एक मैंने आपको अच्छा सा वीडियो अपलोड करके बताया था। वो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन तीनों जगह पर मिल जाएगा, या फिर आप खुद जाके वीडियोज़ के सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर मैंने न्यूज़ शेयर की थी जो मैं इस वीडियो में नहीं शेयर करने वाला हूँ, बिकॉज वीडियो है ना बहुत लंबा हो जाता है एंड देन आप लोग देखते नहीं हो। बट मुझे तो आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचानी रहती है, तो वो इन्फॉर्मेशन इतनी रहती है कि वो इतने वीडियो में नहीं आती है। सो आई मेक पार्ट ऑफ द वीडियोज़। अगर हम यहाँ पर बात करें इसके 1 ईयर के चार्ट पैटर्न की, जो हमें 1 जनवरी से दिख रहा है, तो हमें पता चलेगा कि 700% का रिटर्न आराम से दे चुका है स्टॉक। बट अगर हम यहाँ पर 1 मंथ का देखें ना, तो 12% का दिया है। बट अगर हम प्रतिशत को छोड़ देना, अगर हम यहाँ पर सीधा सीधा देखें तो पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, और हमें ये रेंज बाउंड्री दिख रहा है। अभी ये अगर हमें नॉर्मल स्टॉक पैटर्न में अगर हम देखें ना, तो कोई भी स्टॉक को 1 महीने में ऐसा ऊपर जाना चाहिए था, बट ये स्टॉक एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है, विच क्लियरली इंडिकेट्स अस कि ये स्टॉक ऐसा है कि हमें है ना इसके अंदर अपना चिंता लेने की जरा भी जरूरत नहीं है। ओनली बिकॉज ये स्टॉक ऐसा है कि इसके अंदर निवेशित रहा जा सकता है, क्योंकि ये स्टॉक है ना अपनी गति से चल रहा है। अभी कोई भी स्टॉक है ना भाग रहा है ना, तो उसका मतलब उसके अंदर ऑपरेटर्स जारी है। पर इस स्टॉक के अंदर ऑपरेटर्स में सिर्फ अल्फा लियोन आता है, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ओके, नाम ले लिया है तो फिर हमें उसको जानना ही जरूरी हो जाता है। सीधा हम चलते हैं वीडियो की तरफ, पर ठीक है यार, उसको बाद में देख लेंगे, बिकॉज उसका जो एनालिसिस है वो लास्ट में ही होगा, बिकॉज जो बीच में न्यूज़ कवर होगी ना, उसके बाद ही उसको बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। पर उससे पहले हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि पिछले वीडियो में भी जैसे हमने देखा था कि उसका PE रेशियो 82 पे पहुंच गया है, जो इतनी बढ़ोतरी होने के बाद कम हो गया है। मतलब आप देखोगे कि नॉर्मली PE रेशियो जो था ना वो बड़ा हुआ था, कुछ 150 तक पहुंच गया था, बट अभी अगर आप देखो तो 81 और 82 का PE रेशियो दिख रहा है, जो ये स्टॉक के लिए अच्छी बात है। बिकॉज ये देखिए, ये स्टॉक जब इधर नीचे के लेवल पे था ना, इधर नीचे के लेवल पे, तब इसका PE रेशियो है ना 150-150 के आसपास था, और अभी आप देखो तो इन्होंने ग्रेजुअली अपनी PE को कम कर दिया है। जब मार्केट बहुत टॉप पे बैठा है, अपने ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक बैठा है, मतलब ऑल टाइम हाई तो नहीं, लेकिन 52 वीक हाई जो हम 5 साल से हाई देख रहे हैं, उतने हाई पर बैठा है ये। और उधर से देखिए, ये स्टॉक भी ऐसा है ना कि ऐसा हाई एंड हाई का पैटर्न लगाता है, ये एक ही बार में ऊपर नहीं जाता है, बल्कि ये एक अच्छे स्टॉक की निशानी की तरह हाई एंड हाई का पैटर्न लगाता है, एंड वो है ना रेगुलर करेक्शन लेता है। ये स्टॉक पे तो हमें करेक्शंस दिख नहीं रहे, पर जिसने इसे लॉन्ग टर्म होल्ड किया है और डेली न्यूज़ देखता है, तो उसे तो ज़रूर पता होगा कि इसने कितने करेक्शंस लिए हैं। बट मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हो ना, तो आप ज़रूर ये स्टॉक के साथ जा सकते हो, बिकॉज ये स्टॉक है ना आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देगा। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि कितने प्रतिशत का रिटर्न इसने अपने स्टॉक इन्वेस्टर्स को दिया है, बट वो तो बहुत कम देख लिया आपने। अभी असली खेल बाकी है, और अभी असली रिटर्न्स बाकी है जो ये स्टॉक हमें दे सकता है, तो हमें उसके लिए वेट करना है, और उसके लिए वेट कभी करना है। देखिए ये लेवल अभी कितना है, 3 रुपये का लेवल है, बट ये है ना आराम से जा सकता है 1000 रुपये तक, यानी आराम से नहीं, रास्ते में रुकावटें आएगी, गिरावटें आएगी जैसा कि हम अक्सर कहते हैं, बट हमें हारना नहीं है, हार नहीं माननी है, बिकॉज ये ऐसा स्टॉक है ना कि हमें लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देगा। देखिए एक्चुअल टारगेट तो इसके 1000 तक है, मैं अभी तक अपनी बात पर अड़ा हुआ हूँ, बट उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अब बाकी तो ऑपरेटर्स जाने कि उनका खेल क्या समझ रहा है, और वो क्या समझ रहे हैं, और वो क्या करना चाहते हैं, बट ऑपरेटर्स इसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ओनली बिकॉज ये स्टॉक ऐसा है ना कि इसके अंदर ज़्यादा उन्हें कुछ करके नहीं मिल रहा है। बिकॉज अभी अगर आप इसका जो रिजल्ट देखोगे ना, वो रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आया अपने सेक्टर से। अगर आप इसको डेली बेसिस पे ट्रैक कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि मैंने कुछ और ही बोल दिया, रिजल्ट तो खराब आया था और मैंने आउटस्टैंडिंग बोल दिया। ओनली बिकॉज अगर आप NBFC सेक्टर का कोई भी स्टॉक उठा के देख लो ना, तो आपको पता चलेगा कि इसके कोई भी स्टॉक के अंदर ना अच्छी खासी गिरावट आई है उसके नेट रेवेन्यू में और नेट सेल्स में। बट अगर हम इस स्टॉक की बात करें, तो हमें इस स्टॉक में है ना ईयर ऑन ईयर हमें गिरावट तो दिख रही है, और एक्सपेंसेस में भी गिरावट दिख रही है, जिसकी वजह से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ जाता है, मतलब सेल्स कम हो गई है। बट इन्होंने अपने जो इन्हें पता था कि हमें हमारी सेल्स कम है, बट तो इसीलिए
उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को कम कर दिया, तो देखिए ताली दो हाथ से बजती है। अगर समझिए एक्सपेंसेस ज़्यादा है और सेल्स ज़्यादा है तो कुछ प्रॉफिट नहीं होता है, बट अगर आपने खर्चा कम किया और सेविंग्स ज़्यादा की तब जाके आपके पास सेविंग्स बचेगी ना। यानी आप लाख रुपये कमा रहे हैं दिन का और लाख रुपये उड़ा रहे हैं, तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी, आपकी नेटवर्थ क्या रहेगी। बट अगर एक बंदा 10,000 रुपये दिन का कमा रहा है और वो उसमें से 9,000 रुपये दिन के बचा रहा है एवरी डे और 1,000 रुपये खर्चा कर रहा है, सो उसकी वैल्यू एट द एंड ऑफ वन मंथ विल बी अराउंड ये इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 9 × 3 = 27, तो उसकी वैल्यू अराउंड 270,000 रहेगी। तो आप ये समझ के चल सकते हो कि इन्होंने अपने एक्सपेंसेस को एकदम अच्छी तरह से कम किया है, बिकॉज ये फाइनेंस से रिलेटेड है एंड दे नो हाउ टू टैकल द कस्टमर्स एंड द बैड रिजल्ट्स। अगर सेल्स कम भी है ना तो एक्सपेंसेस कम कर दो, आराम से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट भी हमारे उसमें बढ़ोतरी दिख रही है, बट वो पूरी स्ट्रैटेजी है जो हमने आपको समझा दी और आपने भी जान ली कि यस ये स्ट्रैटेजी है। और ये स्ट्रैटेजी के तौर पर हमें देखना है कि यार ये शेयर कितना अच्छे से अपना रिजर्व्स बढ़ा रहा है, अपने बोरिंग्स को कम कर रहा है। और यहाँ पर देखोगे ना आप, ये जब अगर हम ऐसे ही ऊपर से देखते हैं, सबसे पहला जो पहला बल्लेबाज है यहाँ पर, हम सीधा सीधा देख लेते हैं इसके सेल्स कम हो गए और फिर बाद में हम देख लेते हैं इसके एक्सपेंसेस को छोड़ देते हैं, हम फिर बाद में इसके सेल्स को देख लेते हैं सबसे पहले। फिर देखिए कई सारे लोग क्या करते हैं ना, एक जगह पर कोई भी एक डिवाइस पर पहले रिजल्ट देख लेते हैं एंड देन फिर जाके है ना उसको ट्रेड कर लेते हैं, बिकॉज उन्हें पता है ना कि रिजल्ट आने के बाद जो पैनिक मोमेंट बनेगा उस पर पैसा बनाने का और वेल्थ बनाने का एक अच्छा मौका है। वेल्थ इज़ अ रॉन्ग वर्ड टू यूज़ योर, पैसा बनाने का अच्छा मौका है। तो वो लोग क्या करते हैं, ये देख लिया ये ख़राब है और सीधा उसके अंदर उसको शॉर्ट कर दिया। बट देखिए वो बहुत टाइम तक रहा, बट जब स्टॉक इन्वेस्टर्स को पता चला कि पूरे NBFC सेक्टर का हाल ऐसा है, बट वो एज दे आर इन्वेस्टेड इन एज दे आर जस्ट इन द सेक्टर ऑफ NBFC, उन्हें पता है कि फाइनेंस को कैसे टैकल करना है एंड उन्होंने अपने रिजल्ट को ऐसे बनाया, पेश किया कि वो अच्छा दिखे और एक्सपेंसेस को कम करके उन्होंने अपने रिजल्ट को ऐसा बना दिया कि वो इन टर्न अच्छा ही दिखे। देखिए रिजल्ट कभी खराब नहीं होता है इनका, बट जो खराब होता है ना वो हमें देखना है कि सेल्स खराब है। अगर कोई कह रहा है कि इनका रिजल्ट खराब है वो थोड़ा सा गलत कह रहा है, ओनली बिकॉज इनका रिजल्ट खराब नहीं है, इनका सेल्स खराब है। हमें देखना ये होता है हमेशा कि सेल्स कितनी हो रही है। देखिए बाकी तो ये एक्सपेंसेस कम कर देते हैं तो प्रॉफिट ठीक ठाक दिख जाता है, या फिर अगर रिलायंस पावर का ले लो तो रिलायंस पावर में ना नेट उनकी जो इनकम रहती है ना वो बढ़ जाती है, ओनली बिकॉज इनका जो अदर इनकम है ना वो आती है। वो उनके अगर सेल्स कम हो गया या फिर रिजल्ट खराब आना होता है ना तो वो लोग क्या करते हैं, अपने एसेट्स को बेच देते हैं और वो दिखाते हैं बकायदा, वो तो पता रहता है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को कहाँ पे पता रहता है ना ये सारी चीज़ें। तो रिटेल इन्वेस्टर्स देखते हैं इनका प्रॉफिट बढ़ गया एंड देन दे विल बाय द स्टॉक, तो उसकी वजह से स्टॉक को फायदा होता है और उसकी गुडविल बनी रहती है। बट हमें ना पूरा डिटेल में एनालिसिस करना है और यहाँ पे देखना है कि यार अदर इनकम है वो उन्होंने ठीक है चलिए बट एक्सपेंसेस कम कर दिया, तो हमें देखना है कि सेल्स में कमी हुई है। अब कोई भी स्टॉक कैसा भी होने दो, बट अगर उसका सेल्स और बिजनेस मॉडल अच्छा है ना तो उसके अंदर बढ़ोतरी होगी ही लॉन्ग टर्म में। अब देखिए सेल्स खराब हो गई मतलब स्टॉक डूब गया, ऐसा नहीं है, बिकॉज सेल्स ऐसी है ना कि NBFC सेक्टर के हर एक स्टॉक की सेल्स ऐसी ही है, तो हमें स्टॉक को जरा भी खराब नहीं कहना है क्योंकि NBFC सेक्टर में ये एक मोनोपोली की तरह काम करता है। मोनोपोली तो नहीं कहूंगा बिकॉज मोनोपोली ये बजाज फिनसर्व एंजॉय करता है बीइंग इन द इंडाइसेस ऑफ इंडियन इंडाइसेस, तो वो तो मोनोपोली एंजॉय करता है, बट ये स्टॉक ऐसा है ना कि ये अपना फ्यूचर चेंज कर सकता है, बिकॉज जिस तरह की इसकी परफॉर्मेंस है और जिस तरह के इसके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है, जो इसके अंदर डेट लो है और यहाँ पर स्ट्रेंथ्स देख सकते हैं, इन्होंने 5 साल में कंसिस्टेंटली निफ्टी 500 से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, फिर यहाँ पर MFI जो मनी फ्लो इंडेक्स होता है ना उनके हिसाब से ओवरबॉट जोन में है। ओवरबॉट जोन जिसको नहीं पता है वो ये होता है कि लोग ज़्यादा खरीद लेते हैं, मतलब स्टॉक को बाय कर लेते हैं, तो जब भी ज़्यादा बाय हो जाता है ना तो वो होता है ओवरबॉट जोन, और जब लोग है ना सेल शेयर को सेल करते हैं तो एक पॉइंट आता है जब वो ओवरसोल्ड जोन पे आ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा सेल हो गया है अभी बढ़ोतरी आएगी। तो अभी ये लोग कह रहे हैं कि ओवरबॉट जोन पे है, यानी अभी थोड़ा इसके अंदर करेक्शन आ सकता है, बट यहाँ पर करेक्शन की बात ही नहीं हो रही है, इसको इन्होंने स्ट्रेंथ्स में डाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग बुलिश है स्टॉक को लेके, इसीलिए तो ओवरबॉट हुआ। इन्होंने अपना दूसरा साइड लिया है कि ओवरबॉट कब होगा, जब लोग आके
खरीदेंगे ना स्टॉक को, तब जाके वो अवॉर्ड होगा। तो इसीलिए वो स्ट्रेंथ में लिया है और कंपनी के पास डेप्थ ना के बराबर है। सेकेंडली अगर हम बात करें जो इसका कैश जनरेटिंग एबिलिटी है, जो अपने बिजनेस की तो इम्प्रूव हो ही रही है, साथ ही साथ अलग जगह से भी इम्प्रूव हो रही है, और सेकेंडली इनके कोर बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है वो इंक्रीज हो रही है। इसका बुक वैल्यू जो है ना वो लास्ट दो साल से है ना अच्छी खासी इम्प्रूव हो रहा है। वो देखिए बुक वैल्यू भी चेंज होती रहती है और वो अच्छी खासी चेंज हो रही है, और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को प्लेज भी नहीं किया है। एज़ यूजल जो मैंने आपको बताया कि फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है तो उन्हें पता होगा हाउ टू टैकल द सिचुएशन, और यहाँ पर जो इसका प्राइस अबव शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है वो है कि इसका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस। और यहाँ पर अगर हम वीकनेस देखें तो गिन चुन के यहाँ पर 5 वीकनेसेस है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले तो यहाँ पर है ना इसका जो फर्स्ट सपोर्ट है ना वो नेगेटिव ब्रेकआउट के ऊपर दे रहा है, क्योंकि 3 रुपये का जो इसका सपोर्ट था वो ब्रेक हो गया और इन्होंने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चले गए। और सेकेंडली अगर हम बात करें जो इनका नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुआ है, बट जो हमें देखा ना ये है ना कि एक्सपेंसेस उन्होंने कम कर दिया है जिसकी वजह से प्रॉफिट बैलेंस हो गया। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर जो नेट कैश फ्लो है वो डिक्लाइन हो गया है, तो इनके पास मतलब है ना अपना कैश जो है ना वो जनरेट करने की एबिलिटी बहुत कम है, तो वो एक इनका वीकनेस हो गया। देखिए इससे कंपनी बर्बाद हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं है, बट एक वीकनेस हो गई कि हाँ ऐसा है। अगर आपकी वीकनेस है कि आप फॉर एग्जाम्पल किसी खेल में, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट में आपकी वीकनेस है कि आप बैटिंग नहीं कर सकते हो बट आप बॉलिंग बहुत अच्छी करते हो, तो क्या उससे मैच आप हरा दोगे? नहीं, जो आपकी स्ट्रेंथ है आपको वो पकड़ के आपको उसके हिसाब से बॉलिंग का मौका दिया जाएगा। अभी विराट कोहली जो है वो बैटिंग कितनी अच्छी करता है हमें पता है, तो इसीलिए उसको बैटिंग की तरफ ज़्यादा मौका दिया जाएगा, बट अगर वो उसकी बॉलिंग अच्छी नहीं होगी तो उसे बॉलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बॉलर्स जो अच्छे पड़े हैं ना बट उसकी स्ट्रेंथ की वजह से वो टीम में है, एंड दैट इज़ वाई इसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो बहुत ही अच्छी है। और इसका जो क्वार्टरली रेवेन्यू है वो डिक्रीज हो गया है, बस ये रिजल्ट की वजह से इसकी वीकनेस की पल्ला भारी पड़ गया। और सेकेंडली इसका जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो ये है कि जो डिलीवरी परसेंट है ना वो बढ़ते ही जा रहा है, और अभी इसको है ना हम देखेंगे कि इसका जो डिलीवरी परसेंटेज है वो भी बढ़ रहा है, यानी ज़्यादा ज़्यादा लोग माल उठा के जा रहे हैं। आपको डेली NSE पर जाके चेक करना है कि कितने लोग माल उठा के जा रहे हैं। अगर इसका जो हाई रिटर्न टेक्निकली स्ट्रांग वैल्यू स्टॉक है ना, तो इसका सब्सक्रिप्शन भी बहुत ही अच्छा है और इसका जो मोमेंटम स्कोर है वो भी बहुत अच्छा है। RSI जो है ना वो प्लेस कर रहा है कि वो है ना अच्छी स्ट्रेंथ में है, और RSI ये नहीं कह रहा है कि वो ओवरबॉट जोन में है या फिर ओवरसोल्ड जोन पे है, वो कह रहा है कि इतनी अच्छी पोजीशन पे है कि वहाँ से पिच हो गया ना एक बार तो ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अगर इसके ट्रेड्स की बात करें तो इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है, बस थोड़ा सा महंगा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और सेकेंडली अगर हम बात करें इसका प्रॉफिट एंड लॉस जो कंपनी का है वो प्रॉफिट टू लॉस कंपनीज है, मतलब पहले मतलब प्रॉफिट से लॉस में गई थी, पहले प्रॉफिट हुआ था देन लॉस में गई थी, अब फिर से वो प्रॉफिट में आ रहा है, तो वो मतलब पहले एक बार प्रॉफिट से लॉस में चले गया था ना, तो वो एक थ्रेड बता रहा है कि ऐसा फिर से हो सकता है। और जो इसका है PE वो तो हमने देख लिया कि 89 का अराउंड है, और वो उसका एक थ्रेड बता रही है कि PE ज़्यादा होने से उसका थ्रेड है। अगर हम इसके जो ऑपरेटर्स की बात करें ना, तो हमें पता चलेगा कि इनके ऑपरेटर्स के अंदर जो मतलब बेसिकली ऑपरेटर्स यहाँ पर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि हमने पहला नाम सुना था अल्फा लियोन एंटरप्राइज का, तो ये है ना एक ही दिन बाय करते हैं और सेल कर देते हैं, यानी देखिए पहले ये लोग हाई प्राइस पे सेल करेंगे फिर लो प्राइस पे बाय कर देंगे। आप 12 फरवरी की बात करिए, देखिए BSE पर इन्होंने 500,000 शेयर्स है ना 84 पे सेल किए और फिर से 82 पे खरीद लिए, यानी इन्होंने 0.2 पैसे का ये प्रॉफिट ले लिया। और फिर यहाँ पर देखिए कि इन्होंने फिर से 3 करोड़ शेयर्स या फिर 32 लाख शेयर सेल कर दिए 15 पे और बाय कर लिया 5 पे, यानी आप शॉर्ट सेलिंग देख रहे हो कैसी कर रहे हैं लोग, यानी आप देख रहे हो कि 10 पैसे का इन्होंने फिर से फ़ायदा कर दिया। फिर अगर आप देखो 96 पैसे पे सेल किया 88 पैसे पे खरीद लिया, यानी आप इसका डिफरेंस देख रहे हो ये पूरा 8 पैसे का डिफरेंस हो गया, यानी इनक्रेडिबल अमाउंट का 10% का इन्होंने ये कर लिया। फिर अगर आप देखो 96 पे सेल किया और फिर 87 पे बाय कर लिया, और ऐसे करते करते अभी जो लेटेस्ट 8 जुलाई को इन्होंने किया था ना 23 पे सेल किया था और 6 पे बाय कर लिया था, विच गेव देम एन अपॉर्चुनिटी टू गेट ऑफ रिटर्न्स ऑफ
ऑलमोस्ट 20% जो एक ही दिन में उन्होंने रिटर्न्स जमा कर लिए हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि कैसे ऑपरेटर्स इसके अंदर खेलते हैं। बट अभी लेटेस्ट कोई ऑपरेशन वाली न्यूज़ नहीं आई है, जैसे ही आती है चैनल पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। वैसे टिकट टेप का एनालिसिस हम करना चाहते थे बट वीडियो इतना लंबा हो गया है ना, और कई सारे लोग वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, जो पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है वो नहीं पहुँचती है। इसीलिए मैं वीडियो को छोटा करने की कोशिश करता हूँ और मैंने वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आपको सेकेंड पार्ट देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो जो आपके स्क्रीन पर यहीं किधर आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।